वेलकम एवरीवन। आज के हमारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में, जहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन एंड गुड्स। तो हम यहाँ पर बस 1 से 2 मिनट का और वेट करेंगे ताकि और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो पाए, उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आई फॉर्मली वेलकम ऑल माय पार्टिसिपेंट्स हियर आज के हमारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में, जहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कमोडिटी डेरिवेट ऑप्शन इन गुड्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है पीले, मैं सीनियर एनसीडीएक्स इंदौर करता हूँ, एंड मैं इंदौर का रीजन देखता हूँ एनसीडीएक्स के लिए। देन विल स्टार्ट विथ ओवरव्यू ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम। एक ब्रीफ हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो एवोल्यूशनरी स्टेट जो जो हुए हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस में, वो हम पहले थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि 19th सेंचुरी में बॉम्बे कॉटन एसोसिएशन ट्रेड एसोसिएशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ कॉटन ट्रेड के लिए, उसकी शुरुआत हुई। देन फॉलोड बाय इन 1910 एंड 1930 ऑयल सीड्स एंड रॉ जूट वेर परमिटेड फॉर ट्रेडिंग। देन इन 1953 फॉरवर्ड मार्केट कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड, एंड जहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के आने के बाद ये जो अनरेगुलेटेड जितना ट्रेड था वो अब रेगुलेटेड होने लगा। इसके बाद 20th सेंचुरी के हाफ लेटर हाफ में हमने बहुत बारी देखा कि उसके ऊपर बैन्स भी लगे हैं और बहुत बार ये बैन उठाए भी गए हैं। बाद में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई 2001 में, जिसमें कमोडिटीज़ को लिस्टिंग किया गया ताकि उस कमोडिटीज़ का ही पर्टिकुलरली ट्रेड हो पाए। उसके बाद 2003 में बहुत सारे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस की स्थापना हुई और वो एग्जिस्टेंस में आए। देन इन लेटर फेज इन 2015 सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया केम एज अ रेगुलेटर फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। देन लेट्स हैव अ लुक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। तो उसके अंतर्गत सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी आता है और वो इन 5 नेशनल लेवल एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। तो जिसमें से एनसीडीएक्स एक है, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएसई और बीएसई है। टिल डेट टोटल 91 कमोडिटीज आर परमिटेड फॉर ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स मार्केट। अब जान लेते हैं कि क्या ऐसे कदम उठाए गए सेबी के आने के बाद जो कि बहुत प्रोमिनेंट रहे इस पूरे इकोसिस्टम में। सबसे पहला जो कदम सेबी ने उठाया वो सितंबर 2015, जहाँ पर सेबी टुक ओवर द चार्ज एज अ रेगुलेटर। देन इन जून 17 सेबी परमिटेड ऑप्शन इन कमोडिटीज डेरिवेटिव सेगमेंट, जहाँ पर अब फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शंस का भी एज अ टूल कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में यूज हो पाएगा। देन सेबी परमिटेड कैटेगरी 3 AIFs। देन सितंबर 2017 सेबी परमिटेड इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी ब्रोकिंग आर्म्स, जहाँ पर पहले दो अलग अलग एंटिटी बनाकर इक्विटी और कमोडिटी दोनों अलग अलग मार्केट में ट्रेड होता था ब्रोकिंग फर्म्स के माध्यम से, पर अब ब्रोकिंग फर्म्स एक ही एंटिटी के अंदर इक्विटी और कमोडिटी दोनों मार्केट्स में अपना काम कर रही हैं।
देन अगेन बैंक सब्सिडरीज को अलाउ किया कि वो आए और अपना जो एक्सपोजर है वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स में ले। देन अगेन बैंक्स वेर ऑल्सो परमिटेड टू पार्टिसिपेट एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। देन इन सितंबर 2018 फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑल्सो वेर परमिटेड टू हेज देयर एक्सपोजर इन इंडियन कमोडिटी मार्केट्स। उसके बाद मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को भी अलाउड किया कि वो आएँ और कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में डील करें। और देन अगेन उसके बाद जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया सभी की तरफ से कि जून 19 में कमोडिटी इंडाइसेस, जैसे आप शेयर मार्केट में देखते होंगे या फिर कैश मार्केट में देखते होंगे, मल्टीपल इंडाइसेस हैं, वैसे ही अभी कमोडिटीज मार्केट में भी इंडाइसेस को परमिट किया गया, जैसे कि एनसीडीएस के ऊपर एग्रीडेक्स भी उपलब्ध है ट्रेडिंग के लिए। देन लेट्स हैव अ लुक अबाउट कि कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है फ्यूचर्स, दूसरा ऑप्शन एंड गुड्स, एंड थर्ड इज वी हैव इंडेसिस। तो जो आज का हमारा जो सेशन है वो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट्स की के लिए है, जो कि है ऑप्शन एंड गुड्स। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट ऑफ इंडिया। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स क्विकली इस छोटे से सवाल का जवाब दें। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसका ऑप्शन 3 है, तो तीन ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कमोडिटी मार्केट में, एक तो है फ्यूचर्स, देन वी हैव ऑप्शन इन गुड्स, एंड देन वी हैव कमोडिटी इंडेक्सेस। तो अब आगे चलते हैं जो आज का हमारा सेशन है जिसके ऊपर ऑप्शन इन गुड्स के ऊपर। एक छोटा सा ऊपर इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को कि व्हाट इज कमोडिटी ऑप्शंस। तो देर आर बेसिकली टू ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शन। द बायर ऑफ कमोडिटी ऑप्शंस पे अ प्रीमियम टू द सेलर ऑफ द ऑप्शन फॉर द राइट, नॉट द ऑब्लिगेशन टू टेक द डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑप्शंस एक प्रकार का अधिकार है जहाँ पर जो ऑप्शंस का सेलर होता है, जो ये ऑप्शंस आपको बेचता है, उससे आप एक प्रीमियम देकर ये ऑप्शंस खरीदते हैं, जिसके माध्यम से आपको एक अधिकार मिलता है जहाँ यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपको ठीक लगे, तो आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, अंडरलाइंग कमोडिटी के फ्यूचर्स का डिलीवरी ले भी सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। तो पर्टिकुलरली द फाइनेंशियल वैल्यू इज ट्रीटेड एज एन एसेट। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक की एक अपनी वैल्यू होती है, वैसे ही जो अंडरलाइंग कमोडिटीज हैं, जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन की अपनी वैल्यू रहती है, तो उसी को फाइनेंशियल वैल्यू इज ट्रीटेड एट द असेट। सो हियर कमोडिटीज आर ट्रीटेड एट द असेट्स, ऑल्दो इरोडिंग टू द ऑप्शंस बायर एंड अ लाइबिलिटी टू द सेलर। इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस का जो बायर होता है वो पर्टिकुलरली या तो डिलीवरी ले सकता है या तो डिलीवरी नहीं भी ले सकता है, मतलब फिजिकल में आपसे वो सोयाबीन ले सकता है या नहीं भी ले सकता है। लेकिन सेलर, जो कि ऑप्शंस का सेलर होता है, यहाँ पर उसकी लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है, और वो आपके अलावा किसी और को अपना माल नहीं बेच सकता उसे, और पहला प्रेफरेंस आपको ही देना पड़ता है। देन देर आर टू साइडेड टू एवरी ऑप्शन ट्रेड, अ बायर एंड अ सेलर। तो जैसा कि आप इस चीज में देखते होंगे कि कोई भी ट्रेड जो है वो तब तक पूरा नहीं होता जब तक एक बायर और एक सेलर
सेलर का पर्टिकुलरली ट्रेड नहीं होता या फिर व्यापार नहीं हो पाता है। ईच ऑफ दिस साइड एक्सपीरियंस द अपोजिट आउटकम। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक पार्टी को प्रॉफिट होता है तो उतना ही लॉस दूसरी पार्टी को होता है। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन एंड गुड्स बेसिकली एक जिस्ट में क्या है। तो जैसे कि हमारे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, वैसे ही स्पेसिफिकेशन उसी कैलेंडर लॉन्च कैलेंडर और एक्सपायरी और डिलीवरी सेंटर्स के साथ ऑप्शन एंड गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर मौजूद है एनसीडीएस के प्लेटफॉर्म पर। वहीं जहाँ पर एक्सपायरी डेट जो है वो करस्पॉन्ड करती है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ। एक और जो इसका बेनिफिशियल फैक्टर है ऑप्शन एंड गुड्स का, कि ऑप्शन इन ऑप्शन और फ्यूचर्स की पोजीशन के साथ आप नेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने अगर फ्यूचर्स में बाइंग पोजीशन क्रिएट की है, तो ऑप्शंस में आप जो है अपनी सेलिंग पोजीशन करके यहाँ पर नेटिंग का बेनिफिट कर सकते हैं, ताकि आपको फिजिकल डिलीवरी देना या लेना ना पड़े। इसकी एक और खास बात है कि आप कंपलसरी डिलीवरी ऑन द एक्सपायरी ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज फिजिकल सेटलमेंट ऑफ द गुड्स। अब थोड़ा समझ लेते हैं ब्रीफ में कि ऑप्शंस में जो दो ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, की बेसिकली है क्या। तो कॉल ऑप्शंस गिव्स द राइट द बायर राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय एन असेट एट अ स्ट्राइक प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि यदि आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, तो आप अधिकार ले रहे हैं कि आप अपनी इच्छा के अनुरूप उस स्ट्राइक प्राइस में वो माल खरीद सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और सेलर्स को ये ऑब्लिगेशन रहता है कि वो जो माल है वो आपको ही बेचेगा। तो जो ऑप्शंस कॉल ऑप्शन का सेलर है, उसे ऑब्लिगेशन रहता है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी वो आपको ही सेल करेगा। हालांकि आपको ये ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, क्योंकि आपने कॉल बाय कर रखा है, इसलिए कि चाहे तो आप उससे माल खरीद सकते हैं जो आपने स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शंस बाय करा है, या तो नहीं कर सकते। दैट ओनली अगर आपने एज अ कॉल ऑप्शंस के बायर ने ये डिसाइड किया है कि आपका जो हक मिला है, जो राइट मिला है, वो आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं या नहीं। इसके विपरीत है, इसके उल्टा है पुट ऑप्शंस, जहां पर पुट ऑप्शंस का जो बायर होता है वो पुट ऑप्शन के सेलर से एक अधिकार ले लेता है कि यदि वो चाहे तो माल आपको बेच सकता है या नहीं बेच सकता है एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जो सेलर रहता है पुट ऑप्शन का, कि उसके पास एक ऑब्लिगेशन आ गया कि वो अब आपसे ही खरीदेगा, पर एज अ पुट ऑप्शंस के बायर के रूप में आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहे तो माल उसे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। और ये भी तब संभव है कि जब पुट ऑप्शंस का जो बायर है, मतलब पुट ऑप्शंस जो खरीदता है, यदि वो चाहे कि हाँ मुझे माल प्रोवाइड करना है इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या नहीं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, कि हु इज द रेगुलेटर ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है ये, कि हु इज द बायर हु इज द रेगुलेटर ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। तो जैसा कि मैं ऑप्शंस में देख पा रहा हूँ, सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। अब हम जान लेते हैं कि पुट ऑप्शंस किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ज़्यादा या कम तो कुछ नहीं है, लेकिन बेसिकली जो वैल्यू चेन में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके पर्सपेक्टिव से हम एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं। जो एक फार्मर है, मान लीजिए वो पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, फार्मर्स कैन बाय पुट ऑप्शन इन जुलाई विच हैज अक्टूबर एक्सपायरी डेट विच इंश्योर्ड प्राइस रेट ऑफ 750 द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल हिज क्रॉप एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ गिवन फ्यूचर डेट। फार्मर जो है उसे हमेशा ये लगता है कि शायद उसे वो भाव उसके जो प्रोड्यूस का है वो शायद मिले ना मिले, तो इसीलिए वो एनसीडीएस के प्लेटफॉर्म पर आकर जो प्राइस रिस्क है उसे मिटिगेट कर सकता है, पुट ऑप्शन बाय कर सकता है। पुट ऑप्शन बाय करने का ये मतलब होता है कि अब उसके पास अधिकार मिल गया है। यदि उसे पर्टिकुलरली जिस मंथ का उसने पुट ऑप्शन बाय किया है, यदि उसे उस पुट ऑप्शन उस मंथ में यदि वो भाव मिलता है तो वो ऑब्वियसली सेल करेगा, यदि उसे नहीं मिलता है तो वो नहीं सेल करेगा। तो ओनरशिप पूरी की पूरी फार्मर के पास है यहाँ पर, चॉइस टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, नो ऑब्लिगेशन।
यहाँ पर जो फार्मर है वो डाउनसाइड कि प्राइजेस नीचे स्तर तक कितनी जा सकती है, जो डाउनसाइड जो रिस्क है उससे प्रोटेक्ट हो गया, एंड जो अपसाइडेड जो प्रॉफिट उसे मिलता है कि यदि अगर भाव बढ़ते हैं तो वो एनसीडीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बेच के उस स्पॉट में वो उसे बेच सकता है, तो अपसाइडेड जितना भी अनलिमिटेड प्रॉफिट है उसे वहां पर मिल गया। अब हम थोड़ा ऐसे विस्तृत रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि जुलाई में किसी एक फार्मर ने सोइंग करी है, तो उसका जो टोटल जो कॉस्टिंग आएगी पर क्विंटल के हिसाब से प्लांटेशन और हार्वेस्टिंग ऑफ कॉस्ट और जो उसे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए उसे अगर हम मिला दें तो करीब करीब अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो 1750 पर क्विंटल की उसकी प्राइस एक्सपेक्टेशन है। तो जब वो नवंबर में आएगा अपनी अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि वो जुलाई में ही जब उसका सोइंग का पीरियड है तभी वो अपने जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसको लॉक कर सकता है, जो कि हमने एक एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि फॉर एग्जाम्पल कि यदि वो 20 जुलाई को 2020 को मान लीजिए कि मेज कमोडिटी में अक्टूबर 20 एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है 1750 पर क्विंटल के भाव से, तो फार्मर बाय वन पुट ऑप्शन ऑफ 20 अक्टूबर एक्सपायरी, क्योंकि उसका वो हार्वेस्टिंग सीजन है, उसका सेलिंग सीजन है एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1750 एट ₹100 प्रीमियम, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा कि उसे कुछ रुपए देकर वो जिसे हम प्रीमियम कहते हैं वो उसे वो राइट खरीदना पड़ता है, वो ऑप्शन खरीदना पड़ता है। अब जैसे हमने टेबल के माध्यम में समझाया कि यदि वो ऑप्शन नहीं लेता तो उसे जो है टोटल कॉस्टिंग के हिसाब से यदि अगर देखें तो दोनों सिनारियो आप देख पा रहे हैं कि भाव यदि बढ़ते हैं तो भी और भाव यदि घटते हैं तो भी। तो आप जो अपना लास्ट कॉलम है उसमें देख पा रहे हैं कि भाव यदि घटते हैं तो यदि उसने ऑप्शंस लिया है और नहीं भी लिया है तो भी उसे 300 और 500 रुपये का नुकसान होता है, यदि लेकिन यदि उसने ऑप्शंस लिया है तो उसे अपवर्ड में 700 और 900 का प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को। देन अगेन कॉल ऑप्शंस फॉर रॉ मटेरियल यूजर्स, जो दूसरा भाग है वीसीपी चेन का, उनके लिए क्या है? तो दूसरा भाग वो होते हैं जैसे प्रोसेसर मिलर्स होते हैं जो फार्मर्स खरीदते हैं। अब उनके लिए अगर वो कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं क्योंकि उनका ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि मुझे कम दाम में माल मिलना चाहिए, तो यहाँ पर वो कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, और कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद कि उनको ये पूरा अधिकार मिल गया कि वो जो रॉ मटेरियल है जो कि क्रॉप है वो एक फिक्स प्राइस के ऊपर या तो खरीद सकते हैं या नहीं भी खरीद सकते हैं। तो टोटल कॉल ऑप्शंस के जरिए ये पूरा का पूरा जो ओनरशिप है वो प्रोसेसर्स को मिल गया, यदि यदि उन्हें वो भाव ठीक लगता है तो उस भाव के ऊपर खरीद सकते हैं, यदि नहीं खरीदना चाहते तो वो नहीं खरीद सकते हैं कॉल ऑप्शंस के माध्यम से। तो डाउनसाइड जो है वो अनलिमिटेड, मतलब भाव जितने भी गिरे उतना प्रोसेसर्स के लिए अच्छा है लेकिन वो उससे फ्री हैं, लेकिन अपसाइड जो कि कॉल ऑप्शंस खरीदने के बाद वो प्रोटेक्टेड हो गए हैं तो इसका यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि व्हाट इज द पुट ऑप्शन। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है, ये बस एक छोटा सा एक टेस्ट लेने के लिए कि क्या आपको जो मैंने अब तक समझाया है वो समझ में आया है या नहीं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर सही ऑप्शंस हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसका जवाब दिया है। बी इसका ऑप्शन है द बायर्स राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द असेट एट अ सर्टन प्राइस एट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो एक सेबी के सर्कुलर से हम यहाँ पे कुछ हाईलाइट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको समझाने का प्रयत्न करना चाह रहे हैं कि जो इसके फीचर्स हैं कि सेम कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो पोजीशन लिमिट है वो यहाँ पर मिलती है, देन अगेन न्यूमरिक वैल्यू ऑफ क्लाइंट या फिर मेंबर लेवल लिमिट वो 2x है फ्यूचर्स के मुकाबले,
एक और छोटा सा प्रश्न है हमारे सारे व्यूवर्स के लिए कि बेसिकली हाउ मेनी नेशनल लेवल एक्सचेंजेस आर देवर इन इंडिया। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसका भी ऑप्शंस ऑप्शन जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट सही सही दे रहे हैं कि पांच कि जो पांच नेशनल लेवल एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर अभी मौजूदा हालात में है। कुछ हाईलाइट्स हैं कि एक्सपायरी डेट और जो ऑप्शन इन गुड्स का है वो करस्पॉन्ड करता है हमारे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को, और ट्रेडिंग आवर्स जो है वो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स हैं जो चलते हैं, और सेटलमेंट मेथड जो है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स है। अब जानते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली जो बेनिफिट है इसका कि ये जो ऑप्शन इन गुड्स जो NCDS के माध्यम से हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए उपलब्ध है, यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन कमोडिटीज आर बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग स्पॉट मार्केट प्राइजेस, जहाँ पर स्पॉट मार्केट प्राइजेस के ऊपर इसका सेटलमेंट होगा और कंपलसरी सेटलमेंट होगा डिलीवरी के स्वरूप में। यहाँ पर जो हेजिंग प्रस्पेक्टिव से जो आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा एक माध्यम है, और इंडियन जो कमोडिटी मार्केट हैं उनको यहाँ पर बोथ यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एंड इट गिव्स अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सचेंज टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट केटर टू अ लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर एक और इसका बेनिफिट जो हमें देखने को मिलेगा, इट विल प्ले अ मेजर रोल इन स्टिमुलेटिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एनेबलिंग फार्मर फ्रेंडली ऑप्शन टू द प्रोडक्ट। अब इसमें थोड़ा सा एक जो इसका कह सकते हैं कि आप जो फीचर है कि यहाँ पे नेटिंग का बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप लॉन्ग कॉल शॉर्ट फ्यूचर करते हैं तो आपका नेट हो जाएगा, यदि आप शॉर्ट कॉल और लॉन्ग फ्यूचर्स करते हैं तो आपको नेटिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, लॉन्ग पुट लॉन्ग फ्यूचर्स करेंगे तो भी आपको नेटिंग का बेनिफिट यहाँ मिलता है, शॉर्ट पुट और शॉर्ट फ्यूचर्स भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पे नेटिंग का बेनिफिट मिलता है। NCDS के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑप्शन इन गुड्स में अभी फिलहाल 7 कमोडिटीज़ हैं जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मस्टर्ड सीड है, चना है, आयरन सीड है, वीट है, देन अगेन गुआर गम, रिफाइंड स्प्लिट्स हैं, गुआर सीड है, मेज फीड इंडस्ट्रियल ग्रेड है। तो ऐसी 7 जो कमोडिटीज़ फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है वो भी ऑप्शन इन गुड्स में भी इस इंस्ट्रूमेंट में भी अवेलेबल है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि विच इज़ द कमोडिटी हुज ऑप्शंस इज नॉट प्रेजेंट ऑन द NCDS प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि कौन से कमोडिटीज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से इसमें ऑप्शंस का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो राइस मैं बताना चाहूँगा कि राइस ये एक कमोडिटी है जिसमें ऑप्शंस अभी फिलहाल NCDS के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हमें एक 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 ऑप्शंस प्राइस में भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि ऑप्शंस का प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो फ्यूचर प्राइस है और जो स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर ये अनुरूप रहती है, फिर इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, टाइम ऑफ एक्सपायरी क्या है, फिर स्ट्राइक प्राइजेस कितनी अवेलेबल है और वोलेटिलिटी कितनी अवेलेबल है। अब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स गाइडलाइन है जो कि मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमें हमेशा ही सेबी और एक्सचेंज के माध्यम से जितने भी सर्कुलर मिलते हैं वो हमें हमेशा पढ़ने चाहिए, हमें हमेशा एक्सचेंज के माध्यम से ही ट्रेड करना चाहिए, और KYC जो जो कि हमें UCC प्रोवाइड करता है, यूनिक क्लाइंट कोड जो प्रोवाइड करता है उसे हमें कंप्लीट करना चाहिए। हमें हमेशा हमें राइट्स और ऑब्लिगेशंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहिए, बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट हर एक सेटलमेंट के बाद हमें लेना चाहिए, उस बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर जितने भी जानकारी दी गई है हमें उसकी जाँच करनी चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर जो जी चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी, फिर आर्बिट्राइजेशन क्लॉट्स, ऐसी चीज़ें हम अपना जो ट्रेड है वो NCDS के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितना जेन्युइन है वो भी ट्रेड चेक कर सकते हैं, जिसकी फैसिलिटी NCDS के वेबसाइट के ऊपर दी गई है। देन अगेन
हमें हमेशा अपना जो पेमेंट साइड का ऑब्लिगेशन है उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्जिन और एमपीएम हमेशा हमें ध्यान पूर्वक टाइम से भरना चाहिए। हमें डब्बा ट्रेडिंग जो कि एक इलीगल प्रैक्टिस है उससे एसोसिएट नहीं होना चाहिए। हमारे पर जितनी भी होल्डिंग या फिर रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स है डिपॉजिटरी हमारे अकाउंट में उन सबकी हमें जांच करनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई डिस्पेंसी आपको दिखती है तो उसके खिलाफ हमें हमेशा वॉइस उठानी चाहिए। आप अपने ब्रोकर को जो भी चेक या फिर ड्राफ्ट दे देते हैं तो उसमें उनका नाम जो कि उनके सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन हो उसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए। हमेशा अपने ब्रोकर से इंसिस्ट करते रहें कि वो पीरियडिकल स्टेटमेंट्स फंड्स का सिक्योरिटीज का जो आपके ब्रोकर के पास है वो आपको वो प्रोवाइड करता रहे। अगेन जो चीज़ें हमें करनी नहीं चाहिए करनी चाहिए अगर आप उसके विपरीत का करते हैं तो आपको उसका पूरा पूरा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसा कि आपको जो हॉट टिप्स रूमर्स जो मार्केट में हम भारी मात्रा में देखते हैं उसके झांसे में नहीं आना है। या फिर अनसाइंड या फिर डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट को हमेशा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक अपना एक कॉन्शियस और एक अपना एक एक थोड़ा सा एनालिसिस करके ही हमें हमेशा ट्रेड करना चाहिए उस चीज में। तो आज का हमारा सेशन हम यही समाप्त करते हैं और ये मेरा कांटेक्ट डिटेल्स हैं। आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर और मेरा मेल आईडी है। यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद अस। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे वी कुड। और आप हमें askus@ncdx.com के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यदि हमारे पार्टिसिपेंट्स के कोई प्रश्न है तो वो हमें चैट बॉक्स के माध्यम से लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन रहा वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑप्शन इन गुड्स के ऊपर आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ या फिर कर पाया हूँ वो आपके लिए यूजफुल हो। NCDX आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे जो वेबिनार्स हैं वो लाता रहता है। मैं मेरे पार्टिसिपेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमेशा ऐसे वेबिनार्स को अटेंड करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में या अपने ग्रुप्स में उसको हमेशा स्प्रेड करता रहे ताकि बाकी लोगों को भी इस कमोडिटी मार्केट की जानकारी मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।